नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस बार कांग्रेस के दो कीर्तिमानों पर पीएम मोदी की एक साथ निगाह। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लेते रहे हैं जिसे लगभग असंभव माना जाता रहा था। अब जब वह प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी पारी के लिए मैदान में खड़े हैं तो सामने एक लक्ष्य है जो अब तक संभव नहीं हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर कोई लगातार तीसरी बार नहीं जीत पाया है, लेकिन पीएम मोदी का खुद का विश्वास इतना प्रबल है और राजनीतिक माहौल के लिए इतना सकारात्मक है कि फिलहाल ये पड़ाव दूर नहीं दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में राजग 1984 में कांग्रेस को मिली 415 सीटों के कीर्तिमान से भी आगे निकलने की कोशिश कर सकता है। उस समय कांग्रेस को 48.5% वोट हासिल हुए थे और इस बार भाजपा इससे आगे निकलने की तैयारी करती नजर आ रही है। तीसरी बार जनादेश की ओर मोदी। विपक्षी गठबंधन INDIA अपने हौसले के दमखम से लोकसभा को चुनावी रिवाज नहीं बदलने देने की उम्मीद कर रहा है। देश में हुए अब तक के 17 लोकसभा चुनावों में नेहरू के अलावा किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार जनादेश नहीं मिला है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में 3 पूर्व कार्यकाल जरूर मिले हैं, मगर इसमें एक चुनाव का ब्रेक भी शामिल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद तीसरी बार सत्ता में आने की राह नहीं बना पाए थे। दिग्गज के हाथ रही देश की बागडोर। देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 में प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस 1952, 1957, 1962 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसी बीच 1964 में पंडित नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में ही उनका भी देहांत हो गया और उन्हें लोकसभा चुनाव में जनादेश के लिए जाने का मौका नहीं मिला। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली और 1967 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण करने के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी ने 1972 के चुनाव में लगातार दूसरी बार जनता का भरोसा जीता, मगर आपातकाल प्रकरण के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में हार ने लगातार तीसरी पारी की राह पर विराम लगा दिया। 1977 में जनता सरकार के पीएम बने मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिर गई और बतौर पीएम चुनाव में जाना उन्हें नसीब नहीं हुआ। देसाई की जगह पीएम बने चौधरी चरण सिंह के रहते हुए 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को तीसरी पारी जरूर मिली, मगर 3 साल के ब्रेक के बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 1984 के आखिर में हुए आम चुनाव में अब तक के रिकॉर्ड बहुमत 415 सीटों के साथ सत्ता हासिल की। 1989 के आम चुनाव में राजीव को लगातार दूसरी पारी नहीं मिल पाई। जनता दल नेता वीपी सिंह भाजपा और वाम दलों के समर्थन से पीएम बने, मगर 11 महीने में ही ये सरकार गिर गई। उनके स्थान पर कांग्रेस के भारी समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी जो 4 महीने रही। 1991 में आम चुनाव हुआ। इसी चुनाव के दौरान कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई और कांग्रेस की जीत के बाद पीवी नरसिंह राव 1991 में प्रधानमंत्री बने, हालांकि 1996 के चुनाव में राव को हार का सामना करना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।